कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। इस वीडियो में हम कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की अवधि 1942-1956 में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था। हार्डवेयर प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर्स की प्रथम पीढ़ी ने सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए एक मूल अवयव के रूप में मेमोरी और सर्किट्री के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग करना शुरू कर दिया था। कंप्यूटर से इनपुट पंच्ड कार्ड्स और पेपर टेप्स के द्वारा था, आउटपुट प्रिंटआउट्स के रूप में दिखाई देता था। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी। निर्देश मशीन की भाषा में लिखे जाते थे, जो जीरोस और वन्स निर्देशों की कोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। भौतिक उपस्थिति। ये कंप्यूटर्स आकार में बड़े थे और स्थापना करने के लिए एक बड़े कमरे की आवश्यकता थी। उदाहरण EDVSE इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। एप्लीकेशन। मुख्य एप्लीकेशन क्षेत्र जहां साइंटिफिक कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, पेरोल प्रोसेसिंग इत्यादि।